हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल द स्वीट एंड सॉल्टी किचन विद मी श्वेता। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, नया साल आने ही वाला है और हम सब नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं, तो क्यों ना स्वीट एंड सॉल्टी किचन में आज कुछ मीठा बनाया जाए, जैसे कि आटे और ओट्स की पिन्निया। कैसा लगा सुन के? इंटरेस्टिंग, राइट? तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ मैंने थोड़े ओट्स, ड्राई फ्रूट्स और ये मेलन सीड्स, इसको रोस्ट करके रखा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आगे मैं इसे ग्राइंड करूँगी। मैंने एक पैन में एक कप घी लिया है। इसमें मैंने जो हमारा गोंद आता है, ये मैंने हाफ कप गोंद लिया है। इसे मैंने एकदम स्लो गैस पे इसको हम फ्राई करेंगे। ये हमारा यहाँ गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसी घी में मैं इसमें 3 टेबलस्पून की थोड़ा और मिलाऊंगी और इसमें मैं डालूंगी 1 कप आटा। फ्रेंड्स, इस आटे को हमें एकदम धीमी गैस पे धीरे धीरे ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक इसे रोस्ट करना है। अभी हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। देखिए कितना शाइनी ब्राउन कलर आया है इसमें। ये परफेक्टली डन है। फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने जो स्टार्टिंग में ओट्स लिए थे रोस्ट किए हुए, उसका मैंने एक फाइन पाउडर बना लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने जो मेलन सीड्स लिए थे उसको भी मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, दरदरा पीस लिया है, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स थे इसको भी मैंने आपका ग्राइंड कर लिया है। इस सब इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो गोंद फ्राई किया था उसको मैंने अपने हाथों से ही दरदरा क्रश कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में भी एक हल्का सा चला सकते हैं, पर ये आप नॉर्मली हाथों से क्रश कर सकते हैं। अब हमारा यह सब अच्छे से चीज़ें मिक्स हो चुकी है। इसमें हम इसे एक बाउल में निकाल के इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे इसके ऊपर से। अभी कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, मैंने इसे यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 कप पाउडर शुगर डाली है। फ्रेंड्स, आपके पास अगर नॉर्मल शुगर भी हो तो आप उसे ग्राइंड करके ले सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़े पास रोज पेटल्स रखी थी, मैंने वो डाली हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हमें इसमें शुगर एकदम इसके ठंडे होने पर ही मिलानी है। मैंने हाथ को ग्रीस कर लिया है। अब इससे मैं आपकी पिन्निया बनाऊँगी। फ्रेंड्स, पिन्ने आप किसी भी शेप की बना सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनली मुट्ठी की शेप में बनाते हैं जैसे कि ये, और कुछ इसे लड्डुओं के फॉर्म में भी बनाते हैं, तो मैंने यहाँ दोनों ही शो करके दिखाई हैं आपको। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे उसे बनाइए।
भाई देखिए सारी पिन्नियाँ बन के तैयार है, सिर्फ एक कप आटे के साथ इतनी सारी पिन्नियाँ, न्यूट्रिशियस, टेस्टी, हेल्दी। तो क्यों ना फ्रेंड्स, हम नए साल की शुरुआत आप और मैं मिलके इन पिन्नियों के साथ करें। स्वीट एंड सॉल्टी किचन की तरफ से फ्रेंड्स आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।